हम और दीवान भाई आए लातेहार जिला और यहाँ पर तेल बनाने का नया विधि हम लोग जस्ट अभी निकले हुए थे, एक नया विधि देखे हैं और अभी पूरा इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे किस तरह तेल निकाला जाता है। अभी तक तो मशीन से देखे थे, जानवर से देखे थे, लेकिन ये हाथ से इन लोग निकालते हैं घुमा घुमा करके और गाड़ी का चक लगा करके, मतलब एक देसी जुगाड़ है। तो चलिए पूरा वीडियो में हम सारी चीज़ों को देखते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंटीरियर प्लेस है, यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है, लेकिन अपना साधन खुद इन लोग व्यवस्था की। तो देखिए दोस्तों, ये भट्टी यहाँ पर है और यहाँ पर सबसे पहले डोरी को पीसा जाता है मशीन में। अभी वो मशीन का मैं वीडियो दिखाता हूँ। मशीन में पीसने के बाद उसको इस जगह में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद देख सकते हैं इस तरह छोटे छोटे बोरे में बांधा जाता है और बांधने के बाद यहाँ पर ऐसे लगा करके इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और उसके बाद तेल आपको पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह निकल जाता है। तो ये जस्ट बहुत आसान तरीका है, बहुत ही कम समय में पूरा तेल निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से गर्म हो रहा है दोस्तों, तो कम से कम 10 मिनट इस चीज़ में इसको गर्म किया जाता है, आपके ताव के मुताबिक है। यानी इनका कहना है कि अगर इसमें भाप आ जाए, जैसे कि देख सकते हैं इसमें भाप आना शुरू हो गया है, अब ये लगभग कंप्लीट हो गया, इसको फिर वहाँ उतार के दिया जाएगा। तो जैसा है, और इधर भी दो चूल्हा में जल्दी जल्दी से किया जा रहा है। और डोरे का मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो डोरी का मतलब होता है जो गाँव में महुआ होता है, महुआ का फूल, फूलने के बाद एक फल लगता है तो महुआ का फल है, उससे तेल निकालता है। तो इसका यूज खाने के लिए भी करते हैं ना? हाँ, इसका यूज खाने के लिए। और भी मतलब ये जो तेल है, इस तेल का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या बनाते हैं? इस तेल का हम लोग पूड़ी बना सकते हैं। हाँ, फिर पकौड़ी, ये सब जो भी है सब पकवान पका सकते हैं। अच्छा, पूरा पकवान। अच्छा, इस तेल को लगाते भी है क्या? हाँ, बाल वगैरह में लगाते हैं? बाल में नहीं लगाते, हाथ पैर में थोड़ा बहुत लगाते हैं। अच्छा, हाथ पर भी। तो इनका कहना है कि अगर आपका पैर में दर्द हो रहा है तो पैर दर्द में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब तेल का बहुत ही अच्छा ज्यादा यूज है और गाँव में जैसा की एक पंचतत्व की कायर, पेड़ों की माया है, उसका यहाँ पर उस हिसाब से किया जाता है। लोग पेड़ को खुद चिकित्सक बनाते हैं, इस पेड़ का खुद अपने इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बढ़िया लगा। ये गांव कौन सा गांव है? सुरांजी टोला गांव है और ये आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ पर उरांव जाति के लोग रहते हैं, खुद अपने से सारा कुछ कर रहे हैं। क्या हुआ? मुनेश्वर, हाँ मतलब अच्छा, आदिवासी बहुल एरिया। तो ये क्या है? नहीं हुआ। अच्छा, मतलब किस चीज का भूसा? दूरी। गरम हो रहा ना? ये देखिए दोस्तों, उसको पूरी तरह से गरम किया गया है और गरम करने के बाद इसको अच्छे से गोरा में बांधेंगे। ये गरम इसलिए किया जा रहा है ताकि तेल इसका पूरा अच्छा से निकल जाए। अच्छा, दो में बांध रहे हैं। तो एक लीटर तेल निकालने के लिए इसको कितना बार बांधना पड़ेगा? एक लीटर तेल निकलेगा, जो भी निकले वहाँ निकले। अच्छा, जो भी निकलेगा, लेकिन बांधना दोबारा नहीं है। अच्छा, उसके बाद दो बार पलटी करेगा जो दबाया है। हाँ, उसके बाद निकाल देना है इसको, हम लोग पट्टी खोल के इसको दे देंगे। अच्छा अच्छा, लगा देंगे। देखिए भाई, उसके बाद तेल निकालने के बाद ये इस तरह का फॉर्म में बनता है, आप देख सकते हैं, जस्ट मगवा का रोटी जैसा है, लेकिन ये बहुत ही गर्म है। और फिर इसको क्या यूज में होता है, इसका क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें साबुन भी बनेगा। अच्छा, और इसको इसमें जो बैल बकरी जो जैसे लगा रखा है, वो लोग खाई भी दे करके इसको खिलाएगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे घर में साफ होने बात है, उसको एक टुकड़ा जला के छोड़ दीजिए, इसमें बिच्छी नहीं, सांप नहीं घुसेगा। अच्छा, घर में सांप घुसा रहेगा तो भाग जाएगा, वो हट जाएगा। तुम अरे वाह, तो मल्टीपल यूज है, हम लोग इसको तो जस्ट फेंक देते हैं उधर गांव में, लेकिन इसका देखिए सही है। तभी हम लोग देखेंगे इसको डाला जाएगा
बोरा बोरा के साथ में डालते हैं नहीं आप बोले इसको ना। चलो 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 बढ़िया पता वो मशीन में उसे पिसाता है ना। अच्छा अच्छा सही है। अभी देखिए इसको अभी लगाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा दो को लगाएंगे देखिए सर। बहुत अच्छे से इसको फिट किया गया ऊपर लगती है देख सकते हैं पूरा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाड़ी का चक लगाया गया है। तो गांव में इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग का दिमाग कुट कुट के भरा है बस अवसर मिलने का ज़रूरत है। तो कितना साल से ये चल रहा है कितना साल हो गया होगा ये बहुत साल हो गया। देखिए जैसे जैसे प्रेशर दिया जा रहा है तेल निकलना शुरू हो गया है। थोड़ा सा सिर्फ फोर्स किया गया है। लो दुआ करो और जितना आप अगर यहाँ कोई मशीन चलाने की जरूरत नहीं जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा तेल निकलेगा उतना जल्दी करेगा। ठीक है भाई थैंक यू। चलिए आप घुमाइए आप इसमें इधर बताइए किस किस का तेल हम लोग अभी तो दूरी के निकाल सकते हैं सरसों को तो पिलाना पड़ेगा उसको बस। अच्छा इसमें से दूरी का निकलेगा बस दूरी के निकाल और दूरी की सीम निकाल दूरी का। हाँ और सिर्फ तो दोस्तों शुरू में हमको तो ये लगा कि बालू है लेकिन बाद में पता चला कि इसको पीसा गया है और बहुत ही अच्छा ये धान कूटने वाला मशीन में इसको पीसा जाता है। मशीन को भी दिखाएंगे आपको इस वीडियो में और इसको तौल करके मक्का का वीडियो में फट गया बोरा पूरा गर्म है खतरनाक उसमें एक बूंद भी नहीं बचा हुआ। दोस्तों देखिए वो मशीन है जहाँ पर उसको पीसा जाता है और बालू जैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पूरा मशीन को हम दिखा रहे हैं तो दीवान जी हैं और देखिए ये मशीन यहाँ पर चाला जाता है उसको जब क्योंकि कोई भी मोटा कण नहीं जाना चाहिए और फिर से अगर मोटा हो जाता है तो उसको फिर से पीसा जाता है। हम पहले सोचते थे कि पहले से धान कूटने का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसको पीसा और यहाँ पर दोरा को डाला जाता है और फिर इधर से पीसा करके निकलता है फिर उसको चाल करके उसके बाद वहाँ पर लेगा जाता है। यहाँ पर